तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बड़े होंगे। और आज के वीडियो में जो है अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करना सिखाएंगे, मतलब आपके यूट्यूब चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आज के डेट पे यूट्यूब के जो वेरीफाई ऑप्शन है वो एक्सचेंज हो चुका है। जैसे कि हम यूट्यूब को वेरीफाई करने के लिए अपने ओटी स्टूडियो के अंदर जाना पड़ता है, और ओटी स्टूडियो से किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ता था। तो अभी के डेट पे जो है अपना जो वेरीफाई है वो है हम यूट्यूब पे ही कर सकते हैं। तो वो कैसे आप लोगों को बताएंगे, और वेरीफाई करने से क्या होगा, फ़ायदा क्या है? तो वेरीफाई करने से क्या होगा, जो आप थंबनेल जो है वो लगा सकेंगे, और उसके बाद जो है आप जो है वीडियो एक दिन में कम से कम 20 या 30 तक वीडियो छोड़ पाएंगे। तो वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका जो आप वीडियो जो है 3 से 4 वीडियो छोड़ेंगे, उसके बाद जो है वेरीफाई मांगेगा, उसके बाद जो है वीडियो छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक दिन में 3 या 4 वीडियो छोड़ने के बाद नहीं छोड़ पाएंगे वीडियो। तो वेरीफाई करने से हर एक दिन 20 से 30 वीडियो जो है आप छोड़ पाएंगे, मतलब अपलोड कर पाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वेरीफाई कैसे करते हैं अपने यूट्यूब चैनल को, चलिए जानते हैं। चलिए फ़ोन स्क्रीनशॉट पे और जो है जानते हैं वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आ जाना आईफोन के स्क्रीनशॉट पे और जल्दी से डाटा या वाईफाई को ओपन कर लेते हैं। मैंने वो मोबाइल डाटा को ओपन करके यूट्यूब को ओपन कर लिया। तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हैं लिब लारी पे क्लिक करना है। नीचे देख सकते हैं लिब लारी पे क्लिक करना है। तो लिब लारी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर वीडियोस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का एक आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और एडिट के ऑप्शन पे चले जाना है। तो एडिट के ऑप्शन पे चलने के बाद आपको यहाँ पे थंबनेल लगाने का एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे कस्टम थंबनेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका वेरीफाई ऑप्शन आ जाएगा। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे कंट्री लगा सकते हैं। तो आप जिन कंट्री में आप इंडिया हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जो भी कंट्री लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। और यहाँ पे कॉल मी और टेक्स्ट मी लिखा होगा, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, और यहाँ पे एक कोड आएगा, जो OTP आएगा, उसको डालने के बाद जो है फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पर आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो फाइल ओपन होने के बाद जो है आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो है, मतलब कोई भी सा फ़ोटो है, मतलब जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं, थंबनेल जो बनाए आपने, जिस थंबनेल को आपने बनाया उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर के 3 डॉट पे जो है आपको क्लिक करना है। तो 3 डॉट देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पे चले जाइए, और यहाँ पे काइम मास्टर या फिर जिस ऐप्स को यूज़ करते हो उस ऐप को, ऐप का नाम यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप गैलरी पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काइम मास्टर के ऊपर जो है क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है मैंने काइम मास्टर से एडिट किया, तो यहाँ पे काइम मास्टर क्या जो थंबनेल है उसको मैंने लगा लिया। तो थंबनेल लगाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और वेरीफाई कर लेंगे। आई होप